दोनों बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी। बड़ी बेटी को व्हाइट सॉस पास्ता ज़्यादा पसंद है तो उसके लिए व्हाइट सॉस पास्ता, छोटी को रेड ज़्यादा पसंद है तो उसके लिए रेड सॉस पास्ता। और अभी चीज़ डाला हुआ है, बस ये मेल्ट हो जाए और सिंपल सीजनिंग करके। और आज ना मैंने ओट्स को ग्राइंड करके उसका आटा यूज़ करके ये बनाई है आज व्हाइट सॉस। ऑलमोस्ट हो ही गया है और यहाँ पे हमारी चाय। सो यहाँ पे लंच भी रेडी हो गया है और लंच में मैंने बनाया है बटर मशरूम या फिर मखनी मशरूम भी आप इसको बोल सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है ये। और साथ में बनाई है मैंने मूंग मसूर की दाल और साथ में चावल फुलके और रायता। सैलड वो तो होता ही है बट मेन जो कुकिंग है वो हो गई है। और ये जो कुकिंग है ये शाम तक हो गई है, शाम तक मुझे सब्जी नहीं बनानी है। और यहाँ पे मैंने बनाया है बनाना शीट केक जो ब्रेकफास्ट में खाया जाता है, तो आज काफ़ी सारा काम मैंने कर दिया है। अभी गर्म ही है ये, इसे मैं आके डीमोल्ड करूंगी। और इतनी सारी क्लिप्स रिकॉर्ड करी, वीडियो की मैंने शुरुआत करी नहीं थी। तो नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और अभी अवनिका का हो रहा है स्कूल टाइम, आज हाफ डे के लिए वो जा रही है, आफ्टरनून सेशन है उसका, तो अभी उसको हम ड्रॉप करेंगे और उसके बाद सीधे हम जाएंगे कॉस्को, कुछ एक सामान भी लेके आना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, विकास को फ्यूल लेना है गाड़ी के लिए, तो वो हम कॉस्को से ही लेते हैं। और कल अवनी जो है वो स्कूल से ये बना के लेकर आई थी, तो ये मैंने फ्रिज पर लगाया हुआ था बट उसे सोते उठते ही फिर अपना ट्री चाहिए था। और आज मैंने वो लिपस्टिक लगाई है जो साहब करवा चौथ पे लेकर आए थे। उस दिन जो मैंने लगाई थी ना, किसी ने कहा कि देखो बिल्कुल मैच हो गई, बट वो एक्चुअली पुरानी थी, वो ये वाली थी, पहले मैंने ये लगाई बट वो मैच नहीं हो रही थी, फिर मैंने अपनी वाली जो मैंने सोच रखी थी वो मैंने लगाई थी। ओके, और ये जो मैंने उस दिन नोज पिन बनाई थी ना, तो ये बिंदी भी मैंने आज यूज कर ली है। पता नहीं कैसा रिफ्लेक्शन आ रहा है, इधर से सही आ रहा है। ओके चलो, दे आर वेटिंग, चलते हैं। पहले अपनी को ड्रॉप करते हैं फिर कॉस्को चलते हैं। What? Buckle. You want to buckle up? Okay, I'll buckle you up. तो चलते हैं। और आज सूट भी मैंने वही पहना है जो करवा चौथ पे मैंने सुबह पहन लिया था, तो आज सारी चीजें मैंने इस्तेमाल कर ली है। ये चलो मैं इसे बकल कर दूं अभी। आजकल बाहर निकलते हुए यू नो जो सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट होता है वो है फॉल कलर। कुदरत के इतने सुंदर रंग है ना आजकल चारों तरफ, और अगले एक महीने में सारे पत्ते जो है वो गिर जाएंगे, सब सुने सुने पेड़ हो जाएंगे। और फिर नीचे वो जिनके गार्डन है वो झाड़ू लगाते रहो। बट इस टाइम पे इतना कलरफुल है ना, बाहर निकलो तो बहुत ही ब्यूटीफुल, येलो, ऑरेंज, रेड, बहुत सुंदर। अच्छा, सबसे पहले ना हमने फ्यूल ही जो है वो रिफिल कराया, और यहाँ फ्यूल स्टेशन पे आई थिंक सभी जगह होता है, मोबाइल यूज नहीं कर सकते, तो फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया। तो हम जैसे ही टर्न हो रहे थे ना, तो हमारे आगे एक गाड़ी छोड़ के आगे दो गाड़ियां थी, तो एक बंदा बिना पीछे देखे ना बैक करने लगा, तो वो गाड़ी लगी। तो मैं विकास से यही कह रही हूँ, यार ये तो लड़े ही नहीं, हमारे देवबंद में होते तो अब तक तो लड़ाई हो जाती, गाड़ी क्यों ठोक दी।
लड़ाई नहीं होती ना, इंश्योरेंस है ना कुछ। हाँ वही है ना, इंश्योरेंस क्या कि अगर कुछ होगा तो इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे, वो पे करेगा। तो उसने सॉरी बोला, अगले ने थैंक यू बोला, दैट्स डन। डेंट नहीं आया। हाँ बट फिर भी वैसे भी ओल्ड कपल था वो, पीछे वाले यंग थे, तो आई थिंक कुछ ऐसे ही। बट हाँ इंडिया में होता तो लाइक हमारे एरिया में होता तो पक्का जो है वो लड़ाई हो ही जाती, लड़ाई करेंगे। हमने देखी है ना, वो देखी क्या हमने, करी भी है हो ही जाती है। ओके तो चलो चलते हैं पहले। और यहाँ का ना फ्यूल स्टेशन है ना, आई रियली वांट टू रिकॉर्ड, यहाँ पे सेल्फ सर्विस ही होती है। और जब हम शुरू में यहाँ आए थे ना, तो जो हमारा फ्लैट था जो स्टूडेंट अकोमोडेशन में हम रहते थे, उसके पास ही एक पेट्रोल स्टेशन था। तो जब हम ग्रोसरी के लिए जाते थे ना, तो उसको क्रॉस करते थे, तो वहां पे देखा यार लोग गाड़ी से निकल के खुद ही फ्यूल भर रहे हैं, यहाँ पे पता नहीं क्या चक्कर है। क्या धीरे धीरे पता लगा कि सेल्फ सर्विस है, पहले जो यूनिट होती है उसमें आपको कितना लेना है वो पेमेंट करो, और उसके बाद जो है वो फ्यूल अपनी गाड़ी में खुद से रिफिल करो। बट आई कॉन्ट रिकॉर्ड दैट थिंग क्योंकि मोबाइल जो है वो अलाउड नहीं होता, कैमरा लेके हम बाहर निकलते नहीं है। तो यस बहुत सारी बात होगी, फटाफट चलते हैं कॉस्को और देखते हैं क्या क्या मिलता है। जो जो एक दो चीज लेनी है वो तो ली ही जाएंगी, बाकी का है भाई। चलो धूप अच्छी निकल रही है। कॉस्को में एंट्री होते ही सबसे पहले है क्रिसमस डेकोर, बहुत सुंदर सुंदर ऑर्नामेंट्स हैं यहाँ पे। तो क्रिसमस की धूम है एट द मोमेंट हर जगह। सो कॉस्को पे दिवाली के लिए ये गोल्ड बार आई हुई है, 100 ग्राम्स की है, 50 ग्राम्स की है, और रेट भी साथ देखते रहो भाई, ये पाउंड में जिसे लेनी हो दिवाली पे, हमारा तो कहीं से कहीं तक का बजट नहीं है। और हाँ ये लक्ष्मी जी बनी हुई है, वो दिख रही है ना, और इधर सिक्का भी है। तो दिवाली के लिए यू नो यू वांट टू इन्वेस्ट तो ये लेना बेटर है। ये 10 ग्राम 74,000 की तो सही रेट है क्या? 10 इतना ही तो चल रहा सोने का भाव, 72-72 ही तो चल रहा। हाँ तो वही है, तो सही है रेट, सही है, वैट नहीं है ना यहाँ पे, वैट नहीं है ना बोल। हाँ इस पे वैट नहीं है, बट अच्छा ही वाला 10 वो भी चीप पड़ेगा। कौन सा ये? पर ये है, ये 100 ग्राम का उतना भारी, पर ये सही है, जैसे दिवाली के लिए ले लो ना 10 ग्राम वाला, अपना लक्ष्मी जी भी बनी हुई इसके ऊपर, रेट सही। वैसे तो चोरी वोरी का कोई डर है नहीं, बट स्टिल इन्होंने सेफर सा ना, डमी बार्स फॉर डिस्प्ले पर्पस ओनली। बाकी मुझे ये वाली रिंग बड़ी सुंदर लग रही है, 1699 वाली, वो रियली कुछ कुछ सॉलिड एयर का लुक दे रही हो, बट उसमें छोटे छोटे डायमंड भी है, नहीं ये 3 कैरेट वाइट को, चलो ये हमारे मतलब की चीज़ें नहीं है। और ये वाली ये प्लेटिनम ब्रांड है, लाइक ये सोल्ट एयर है जो सिंगल डायमंड होता है वो, और प्राइस देख लो वैसी। अच्छा इसके ऊपर वैट है बस? हाँ एडिशनल है, वैट के बाद ये 10,799 पाउंड की है, 12 लाख की अंगूठी है भाई ये। ये 10 बोल्ट्स का सेट है, बहुत ही प्रिटी सा डिज़ाइन है, और ये है 12 पाउंड का, लाइक 999 लिखा हुआ है। बट हमेशा जब भी आप कॉस्को पे आओ ना, तो नीचे इंक्लूडिंग वेट वाला प्राइस चेक करो, हमें शुरू में पता नहीं था, हमने ऊपर का देखा ले ली चीज़ें, काउंटर पे जाके पता लगता था कि अरे नहीं ये तो महंगा है, तो अब जो है वो इंक्लूडिंग वेट देखते हैं। सो दिस वन इज़ कमिंग होम फॉर द शॉपिंग इज डन, और ऐसा लग रहा था जैसे आज पूरा शेफील्ड ही कॉस्को के अंदर है, इतना रश मैंने फर्स्ट टाइम देखा। और वीकडे है, वीकेंड पे तो चलो मान भी लो बच्चों की छुट्टी है, ऑफिस नहीं है, तो सब लोग आ जाते हैं, बट ये तो फर्स्ट टाइम ही मैंने देखा इतनी भीड़। और पता यू नो यूएस के कॉस्को की इतनी सारी रील्स वगैरह ना इंस्टाग्राम पे आती रहती हैं, वहाँ पे इतना सारा स्टफ रहता ना कि पानी पूरी आई हुई है, सब ये पीछे वाली सीट पर रख दियो, बच्चे नहीं है विकास पीछे एडजस्ट करने लग रहे, वो चिप्स का बड़ा बॉक्स हम यहीं से लेके जाते हैं, 2-3 महीने आराम से निकल जाते हैं, कुछ 66 पैकेट्स उसमें आते हैं।
तो यस, इतनी सारी रील्स में मैंने देखा कि इतना सारा इंडियन सामान, दिवाली के दिए, डेकोरेशन, इतना कुछ, या यूके वाले कॉस्को में नहीं होता कुछ भी, तो हमारा तो वही यूजुअल स्टफ है। बट एक चीज़ हमें इस बार मिली है, वो है ये गोल्ड वाला आटा। हर बार नहीं देखा, मतलब मुझे पहली बार ही दिखा ये। तो ये हम मोस्टली टेस्को से लेके आते थे पहले, अच्छा निकलता, उसके बाद हम चक्की आटा ही लेके आते थे, तो क्योंकि इसके रेट बहुत बढ़ गए थे और चक्की आटा फिर हमें सूट कर गया था। बट आज ये दिखा और ये ऑफर पे हो रहा था, 10 kg का पैकेट है ये, और कितना, 10 pound में हो रहा था ये, 10 pound, तो इट इज़ गुड। तो फिर हमने ये एक उठा लिया कि ऑलरेडी 5-5 वाले दो पैकेट रखे हुए हैं, हमारा आटा 100 rupees किलो है, 110 हो गया। हाँ, तो फिर मैं कहा चलो ये उठा लेते हैं एक पैकेट जब ऑफर में है। तो हो गया सामान सारा, चलते हैं। बट हाँ, दिवाली से रिलेटेड और कुछ नहीं था, बस वो लक्ष्मी जी की बार ही थी 10 gram वाली, अगर वो लेनी हो। इसके अलावा और कुछ डेकोरेशन का या कुछ स्पेशल खाने पीने का, नथिंग लाइक दैट। पर जो हमें लेना था वो सब हमने ले लिया है, ऑल डन। साहब, ये पीछे की खिड़की खुली हुई थी, चलो जी चलते हैं घर की तरफ, अब भूख लग रही है। तो खाना पीना ऑल डन, और यहाँ पे मैंने सामान निकाल के रख दिया है। बहुत ज्यादा कुछ हमने शॉपिंग नहीं करी है, बस वही चीजें लेकर आते हैं जो यू नो यूजुअली कॉस्को से हमारे यहाँ आती ही आती हैं। ग्रोसरी नहीं करते हम कॉस्को से, मुझे वो लगता नहीं है कि इतना ज्यादा बल्क में हम लोग कंज्यूम कर पाएंगे। बट वो चीजें जो लॉन्ग टाइम तक चलती हैं वो हम कॉस्को से लेकर आते हैं, या फिर ये लगता है कि ये चीज यहीं की बढ़िया है और कहीं की बढ़िया है नहीं, तो वही चीजें आती हैं। तो बहुत सिलेक्टेड होता है, वही मैं लेकर आई हूँ। बस वो बोल्स का जो सेट है वो एक्स्ट्रा आया है, तो दिखा देती हूँ चलो मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो यहाँ पे है ये बड़ा सा अदरक का पैकेट, ऑर्गेनिक अदरक होता है और ये बहुत तीखा होता है, थोड़ा सा भी चाय में डालो ना तो मजा आ जाता है बिल्कुल। और इतना अदरक जो है वो आराम से हमारा 2 महीने निकाल देता है चाय में। ऑल राइट, इसके बाद है ये कैश्यूज, ये आई थिंक अब हमें कुछ 1.5 साल हो गया है जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हम कॉस्को से ही लेकर आते हैं, अच्छे निकलते हैं, टेस्ट बहुत सही रहता है इनका। तो ये कैश्यूज लेकर आए हैं, ये चपाती का पैकेट है, इसके अंदर 3 packets आते हैं, इमरजेंसी में काम आ ही जाता है। और आमंड्स भी खत्म हो रहे थे, बादाम ये लेकर आए हैं, और ये अद्वी का फेवरेट है वफल्स, और अच्छा रहता है टेस्ट इसका, अच्छा तो कभी स्कूल में भी दे देती हूँ मैं उसको। और यस, ये है एवोकाडो ऑयल, इसमें मैं पराठे बनाती हूँ और बेकिंग में भी मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। इसके अंदर कोई भी टेस्ट नहीं है, कोई खुशबू नहीं है, और हेल्दी है, बहुत अच्छा है ये। और हमने और भी जगह के एवोकाडो ऑयल यू नो ट्राई करे हैं, बट सबसे अच्छा ये कॉस्को वाला ही है, चोजन फूड्स ब्रांड का। लाइक कॉस्को का अपना ब्रांड नहीं है बट ये चोजन फूड्स का, और ये मैंने किसी और सुपरमार्केट में नहीं देखा है, अलग अलग ब्रांड के देखे हैं, ये कॉस्को में ही मिलता है। इसके अलावा ये बोल्स का सेट, ये मैं साफ करके रख लूंगी बट मैं इसको दिवाली पे इस्तेमाल करूंगी स्नैक्स वगैरह सर्व करने के लिए। तो वैसे तो यू नो कोई भी मेटल का कुछ बर्तन वगैरह धनतेरस पे लेते हैं, बट अभी ऐसा कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है और कई बार मिलता भी नहीं है, बट मुझे ये अच्छा लगा तो फिर मैं ये ले आई दिवाली के नाम का। इसके अलावा फ्रिज में रख दिया था लाके मैंने ये पनीर, रिया ब्रांड का है ये, काफ़ी बड़ा ब्लॉक है। वैसे तो पनीर मैं घर पे ही बनाती हूँ बट वही जब कॉस्को जाते हैं 1-2 महीने में तो फिर मैं ले आती हूँ और इसको मैं चॉप करके फ्रीज़र में डाल देती हूँ, तो फिर जब ज़रूरत होती है तब हम इसको निकाल लेते हैं। दैट्स इट, बस यही सारी हमने जो है वो शॉपिंग करी है। और आज का काम फिनिश होते होते बहुत लेट हो गया, 10:30 हो रहे हैं। मैं जब भी इस घड़ी में टाइम दिखाती हूँ ना, हमेशा इस वाली लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा होता है, कभी ढंग से टाइम दिख ही नहीं पाता है। तो 10:30 क्या बल्कि 10:35 हो रहे हैं, यकीन कर लो लेट हो गया बहुत ज़्यादा। तो स्किन केयर, रात का जो मैं हाथ मुँह धोके और अपना थोड़ा बहुत लगाती हूँ वो सब कुछ हो गया है, रात का सारा काम निपट गया है, सब कुछ यहाँ पे क्लीन अप, एवरी थिंग इज डन। और अभी मैं सोच रही हूँ सिर में ना थोड़ा सा ऑयल लगा लूँ, वैसे तो मैं ओवरनाइट कभी छोड़ती नहीं हूँ लेकिन मुझे हल्का हल्का सा ना सर में दर्द हो रहा है, तो इसीलिए सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ऑयल लगा लूँ और एक पैरासिटामोल ले लूँ लेके सो जाऊँ, क्योंकि
कल को फिर पॉसिबिलिटी है नहीं क्योंकि पानी पिया नहीं जाएगा, क्योंकि कल है अहोई अष्टमी और कल का मेरा फास्ट होता है एग्जैक्टली लाइक करवा चौथ, बट करवा चौथ पतिदेव के लिए होता है, ये बच्चों के लिए होता है। पुराने टाइम में तो जिनके बेटा होता था सिर्फ वही लेडीज रखती थी, बट अब सब कुछ बदल गया। बट जहाँ तक मुझे ध्यान है मेरी ससुराल में और मायके में भी बेटियों के लिए फास्ट रखना मैंने शुरू किया, मुझसे पहले कोई नहीं रखता था। तो जब अदवी हुई तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से कहा कि मुझे भी अहोई का रखना है, मेरे लिए बेटा बेटी में कोई डिफरेंस नहीं है, बच्चे की लंबी उम्र के लिए मुझे फास्ट रखना है। तो उन्होंने बिल्कुल भी मुझे मना नहीं किया, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल करो। तो यस, बच्चों के लिए फास्ट होता है और इस वाले फास्ट में चाकू छुरी कैची सुई धागा कुछ भी खुदाई की चीज़, मतलब कुछ भी शार्प चीज़ आप इस्तेमाल नहीं करते हो। तो इसीलिए मैंने सारी तैयारी आज ही कर दिया, हमेशा ही करती हूँ। और सब्जी नहीं बनती है, दूध से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं बनती है, तो चाहे वो पनीर हो गया या खीर होगी कुछ भी हो गया वो चीज़ें नहीं बनती हैं। तो यहाँ पे मैंने अदरक कूट के रखा है चाय के लिए, तो विकास तो दिन में दो बार चाय लेते ही हैं, और इन केस अगर मुझे लगा कि सर में दर्द हो रहा है या कुछ भी, तो एक बार कहानी के बाद दोपहर बाद चाय पी सकते हैं। फर्स्ट फास्ट में मैंने ऐसा किया था, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया था, बाकी सब किसी के अलग अलग होते हैं। बट मैं जैसे करवा चौथ निर्जला बिना किसी चीज़ के रखती हूँ, ऐसे ही मैं अहोई अष्टमी का भी रखती हूँ बिना कुछ खाए पिए, बिना चाय वाए। बट वही है कि हाँ, अगर कुछ हालत ख़राब है या कुछ ऐसा लग रहा है तो फिर मैं ले लेती हूँ, कुछ ऐसा नहीं है। और प्याज यहाँ पे काट के रख दिया, हरी मिर्च काट के रख दी है, और साथ में जो है ये टमाटर की जो प्यूरी है ये भी बना दी है, छोले भिगो दिए हैं। अहोई अष्टमी का जो है वो स्टेपल फूड होता है मेरे घर में, हमेशा छोले भटूरे और पुए ये बनते हैं, और मीठे में जो है वो हलवा ज़रूर बनता है। लास्ट ईयर मैंने जलेबी बनाई थी, तभी बनाई थी, पूरा साल भर हो गया अब तक नहीं बनाई। फिर तो देखती हूँ अगर बच्चों ने कहा तो फिर से मैं उनके लिए जलेबी बना दूंगी। तो चलो मैं फटाफट ऑयलिंग करती हूँ और आपसे मिलती हूँ, मिलूंगी तो इसी ब्लॉग में, आई एम गोना कंटिन्यू दिस वन, या फिर मैं अभी क्लिप्स चेक करूंगी, आई विल सी के क्या स्कोप बनता है, कितनी लंबी है वीडियो अभी तक हुई है। बाकी हाँ, ये सारी तैयारी मैंने कर दी है और ये तीनों चीज मुझे अभी फ्रिज में रखनी है। लेट किस लिए हो गई थी, वो पनीर चॉप करना, ऑयल रिफिल करना, सामान लगाना, इन सारी चीजों में हो ही जाता है, और फिर बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो फिर तो टाइम ही नहीं मिलता है। डिशवॉशर चल रहा है, पता नहीं आवाज भी कैसी आ रही होगी। तो चलो बस लाइट बंद करूं और यस वो चीजें मैं फ्रिज में रखती हूँ, ऑयलिंग करूं और फिर मैं सोती हूँ। समाए जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों का तज देना उचित समझा। इसके बाद वे घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा। अभी मेरी पूजा संपन्न हुई है अहोई अष्टमी की, और आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सबके बच्चों की खूब लंबी उम्र करे और सब बच्चे जो हैं वो नेक हों, कामयाब हों और अपने बड़ों का नाम रोशन करे। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप का दिल ना दुखाए, वो बहुत ही हर्टफुल सिचुएशन होती है जब कोई बच्चा अपने माँ बाप को गलत बोलता है या उनके साथ गलत करता है। तो कभी किसी माँ बाप को ऐसा दिन ना देखना पड़े।
तो यस, यही आज के दिन मेरी सबके लिए दुआ है। छोटे बच्चों को सबको ढेर सारा आशीर्वाद, खूब यू नो खूब बड़े हो, खूब जो है वो नेक कामयाब और सब कुछ पाओ जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में। और सारे पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई, सेलिब्रेट दिस पेरेंटहुड। यस, फिलहाल जो है फ्री ही हूँ, कुछ ऐसा नहीं। दोपहर का खाना मैंने सबका बना दिया है और दाल चावल बनाए हैं, क्योंकि सब्जी बनने से लाइक बना लेते हैं सब्जी, बट क्योंकि चाकू छुरी कुछ इस्तेमाल नहीं होना है तो फिर कट मैं कर नहीं पाऊंगी। और सिर्फ मैं ही नहीं, विकास भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो भी फादर हैं, तो इसीलिए हमारे आज के दिन कोई सब्जी वगैरह बनती नहीं है, फ्रूट्स भी नहीं खाए जाते हैं। तो आई थिंक शायद सबके घरों में अलग अलग होता होगा, बट मेरी ससुराल में ऐसा ही, और मैं सारे रिचुअल वही फॉलो करती हूँ जो मेरी ससुराल में होते हैं। तो यस, छोले भटूरे बनेंगे शाम को। अभी तो बस मैं आप लोगों को विश करने के लिए प्रकट हुई थी यहाँ पे। अभी मुझे थोड़ा सा ऑफिस का काम है, क्योंकि आज मेरा ऑफिस डे है। और ये मैंने आज सूट पहना है, ये ना शरारा वाला है, बाद में आगे दिखा दूंगी मैं आपको, भी यहाँ से नहीं दिखाई देगा। और ये मैंने अपनी एनिवर्सरी पे भी पहना था, देवबंद थी इस बार मैं अपनी एनिवर्सरी पे, तो मैंने ये तब भी पहना था, तो वही वाला मैंने पहना है। और बच्चे जो है दोनों स्कूल में हैं, और जब वो आ जाएंगे फिर आके ईवी तो नैप लेगी, अद्वी की फिर आइस स्केटिंग क्लास है, वो आइस स्केटिंग जाएगी, फिर जब वो वापस आएगी और छोटे वाली सो के उठ जाएगी तब लगेगा कि हाँ वही हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बच्चे अच्छे से तैयार होंगे। अभी तो बस मैं अकेली ही हूँ, तो चलो अभी बाकी का काम निपटा। शाम के बज रहे हैं 5:10, और यहाँ पे मैंने छोले में तड़का लगा दिया है, और इधर जो है हमारा हलवा भी रेडी है, इसमें अच्छे से घी छोड़ दिया है। सेम रेसिपी मैंने फॉलो करी है जैसी कि मैंने अष्टमी वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर करी थी। आज कुछ ज़्यादा रेसिपीज नहीं दिखा रही हूँ। तो ये हो गया है हमारा हलवा, बिल्कुल दानेदार अच्छा सा तैयार है। और इधर जो है पूड़े बनाती हूँ मैं, हमारे यहाँ पूड़े बोलते हैं, तो इसमें गुड़ है, गुड़ पानी और थोड़ी सी सौंफ मैंने हाथों से क्रश करके इसके अंदर ऐड करी है, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है, तो हो ही गया है स्मेल्ट। अब इसके अंदर बस आटा मिक्स करके, और जैसे पकौड़ों का हम बनाते हैं ना थिक सा बैटर, वैसा बना के और इसके पूड़े बनाने हैं। भटूरे का जो आटा है वो मैं तभी बनाऊंगी जब मैं भटूरे बनाऊंगी, तो 7:30 बजे, बट इतना काम मैंने डन कर दिया है। ईवी सो रही है और अद्वी जो है वो आइस स्केटिंग गई है, तो दोनों ही जो है वो 6:45 तक डन होंगी। लाइक ईवी भी उस टाइम तक उठ जाएगी और अद्वी जो है वो भी आ जाएगी, तो फिर ये है कि 1 घंटा आराम से बच्चों के साथ बैठने का टाइम मिलेगा। तो ये मेजर काम जो था वो मैंने कर दिया, फ्राइंग का बस बचा है। और भटूरे का जो आटा है वो मैं सेल्फ रेजिंग फ्लोर से बनाती हूँ, मैंने बहुत बार शेयर भी किया है, तो उसमें कुछ आपको सोडा दही या कुछ बहुत कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी ऐड होता है और उसके बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। तो टाइम के साथ साथ ना बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने ट्राई करी हैं एंड दैट वन इज़ परफेक्ट। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इफ यू आर इंटरेस्टेड, छोले भटूरे की पूरी रेसिपी। पूरा दिन से मौसम इतना क्लियर था ना, और अब हाँ जी यू कैन डू इट, आई एम कमिंग। और अब क्योंकि तारा देख के फास्ट खोलना है, तो इतने बादल हैं कि अब बादलों के बीच से कहीं दिख गया तो दिख गया। और टाइम भी तो हो गया, 7:30 तो बज ही रहे हैं, अंधेरा तो बहुत देर से हो रहा है, तारा तो निकल ही गया होगा पर दिख ही नहीं रहा, बादल ही बादल है, कहीं बीच में को कहीं दिख जाए तो लक है। वो होगी तैयार मैडम छोटी बाहर आने को।
सो इट्स 8:30, सारा काम हो गया है और ईवी के भी मैंने कपड़े चेंज कर दिए हैं। से हाय। हाय। हाउ आर यू? आई डिड निकल। आई गॉट डिड निकल। रियली? रियली? अच्छा ट्विंकल ट्विंकल सुना दो। नॉट ट्विंकल। रहने रहने, मुझे वीडियो एंड कर लेना, ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई। बैठ जाओ चलो। तो अभी थोड़ी देर जो है वो ईवी का स्क्रीन टाइम चल रहा है, अभी ऑलरेडी चली गई है सोने के लिए और ये थोड़ा लेट सोएगी क्योंकि नैप लेती है ना, तो फिर ये थोड़ा लेट उठती है तो इसका हो जाता है 9:45 तो बज ही जाते हैं, उतना ही फिर ये सुबह को थोड़ा सा लेट उठ जाती है तो मेरा काम जो है वो इजीली निपट जाता है। और हम तीनों के आज मैचिंग मैचिंग कपड़े थे, कैसे लगे बताना ज़रूर। और आई होप आपका भी हो अष्टमी का फास्ट बहुत अच्छा गया होगा, करवा चौथ हुआ, हो अष्टमी हुई, ये बस एक तरीका है ऊपर वाले को थैंक यू बोलने का कि उन्होंने हमें ये ब्लेसिंग दी है कि हम ये दिन सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। जिसकी जैसी इच्छा होती है, जैसा सामर्थ्य होता है, जैसा बॉडी अलाउ करती है, उस हिसाब से सब इन फास्ट को करते हैं। और मुझे यही लगता है कि कुछ ऐसा नहीं है कि देखा देखी में ये चीज़ की जाए कि वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँ। जो आप करें अपनी श्रद्धा से, मन सच्चा रख के करें, दैट्स इट, वही एक्सेप्टेबल है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। छे बाय 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 विद से वो से वेटर से सब्सक्राइब सब्सक्राइब टू यू डोंट ईट मच डोंट ईट मच फूड व्हाई ओके ओके पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है वो, कोई सी बात कहीं भी लिंक कर देती है। अच्छा बाय बाय, सब्सक्राइब कर लेना, अजीवी ने भी बोला है।